अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, नॉट एवरी मैन इन अ सूट एंड इन अ टाई इज अ जेंटलमैन, नॉट एवरी जेंटलमैन वेयर्स अ सूट एंड अ टाई। इसका मतलब हिंदी में होता है कि सूट और टाई पहना हुआ हर आदमी शिष्ट नहीं होता, और हर शिष्ट आदमी सूट और टाई पहने ये भी जरूरी नहीं है। दूर तक निगाह डालने के बाद आपको इन दोनों बातों को एक साथ पूरा करने वाले बहुत कम लोग नजर आते हैं। उनमें से एक थे मशहूर अभिनेता सुनील दत्त। सुनील दत्त बेहद विनम्र और सरल आदमी थे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता बनने में खर्च की, और अभिनेता तो वो बेमिसाल थी ही। आज उन्हीं की जिंदगी की एक पुरजा कहानी सुनील दत्त और नरगिस दत्त के आदर्श प्रेम की। फिल्मों में आने से पहले सुनील दत्त जब रेडियो पर काम किया करते थे तो देश की टॉप एक्ट्रेस नरगिस और उन दिनों देश के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर की प्रेम कहानी पूरे शबाब पर थी। नरगिस राज कपूर से प्रेम तो करती थी, पर राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा राज कपूर को उनके लिए छोड़ नहीं पा रहे थे, और इसी जद्दोजहद से एक नई और बेमिसाल प्रेम को समय के कागज पर गहरी स्याही से लिखे जाने की तैयारी किस्मत कर रही थी। सुनील दत्त जिस रेडियो स्टेशन में काम करते थे, एक दिन नरगिस को वहाँ एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और ये इंटरव्यू लेना था सुनील दत्त को। इंटरव्यू शुरू हुआ पर सुनील दत्त हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अभिनेत्री का इंटरव्यू लेने के दौरान नर्वस हो गए और एक शब्द तक वो नहीं बोल पाए। नरगिस मुस्कुराई और वहाँ से चली गई, लेकिन सुनील दत्त को रेडियो स्टेशन से नौकरी से निकालना लगभग तय हो गया। पर सुनील दत्त ने किसी तरह से अपनी हालत का हवाला देकर वो नौकरी बचाई। वक्त बीतने के साथ सुनील दत्त भी फिल्मों में आए, और किस्मत फिर उन्हें नरगिस के पास ले आई। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान का वो किस्सा आप सभी को पता है कि किस तरह से गांव के एक सेट पर लगाए गए घास फूस में आग लग गई और सुनील दत्त ने नरगिस दत्त को अपनी जान पर खेल कर बचाया। सुनील दत्त का पूरा करियर खत्म हो सकता था क्योंकि नरगिस को बचाने के दौरान उनके चेहरे पर काफ़ी बर्न आए थे, पर किस्मत उनको सिनेमा का टॉप स्टार तो बनाना चाहती ही थी, बल्कि एक ऐसी महिला के करीब भी लाना चाहती थी जो सिर्फ अपने हक का प्रेम ढूंढ रही थी। वो थी नरगिस। राज कपूर की मनमानी और बिना रिश्ते के उनके साथ रहने से नरगिस उकता चुकी थी और वो उनसे दूर भी हो गई थी। ऐसे में उन्हें उस नए और प्रतिभाशाली हीरो में एक रियल हीरो भी नजर आया जिसने उन्हें अपने करियर को दांव पर लगाकर बचाया था। नरगिस के सामने हमेशा नर्वस होने वाले सुनील बेहद सरल और गंभीर व्यक्ति थे, पर उनकी हमसफर अब नरगिस बनने वाली थी। नरगिस सुनील के करीब आई और आखिर उनकी शादी हो गई। बरसों तक अपने बच्चों के साथ ये जोड़ा एक दूसरे को प्रेम और इज्जत देते हुए साथ रहा। सुनील इतने शिष्ट व्यक्ति थे कि कभी उन्होंने नरगिस की पिछली जिंदगी को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया, न ही कभी उन्होंने अपने आदर और प्रेम में उनके लिए कमी आने दी। वो नरगिस से असल में इश्क करते थे। नरगिस और सुनील दत्त की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उस वक्त सुनील दत्त की दुनिया ही पलट गई जब उन्हें पता चला कि नरगिस को कैंसर है। दोनों के बच्चे छोटे थे और सुनील दत्त नरगिस से भी ज्यादा सदमे में आ गए थे। सुनील ने नरगिस का हर संभव इलाज कराया। वो नरगिस को किसी भी हाल में बचाना चाहते थे। उन्हें वो इलाज के लिए इसलिए विदेश भी ले गए। सुनील जानते थे कि यकीनन वो ये जंग हार ही जाएंगे, पर प्रेम एक अद्भुत और बेमिसाल इंसानी जज्बा है जो खुद को खोए बिना हासिल होता ही नहीं है। प्रेम पाने का नहीं, खोने का नाम है। सुनील जब नरगिस का इलाज करवा रहे थे तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन की वजह से नरगिस की हालत उनसे नहीं देखी जाती थी। वो उनके सामने मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहते थे, पर छुपकर रोया करते थे। नरगिस भी जानती थी कि ये सरल और विनम्र अभिनेता पर्दे पर जो अभिनय करता है वो अपनी पत्नी के सामने भी करता है, पर वो खुद एक अभिनेत्री थी। वो जानती थी कि उनकी तकलीफ सुनील से बर्दाश्त नहीं होती थी। वो बस उनके सामने उन्हें खुश रखने के लिए ड्रामा करते हैं, पर नरगिस को अपने चुनाव पर गर्व था कि वो सुनील दत्त की पत्नी है। नरगिस इलाज के दौरान सबसे बुरे दौर में तब पहुंची जब वो अचानक से कोमा में चली गई और लगातार कोमा में रही। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर लाया गया। काफी इलाज के बाद डॉक्टर्स हिम्मत हार गए और एक दिन सुनील दत्त से डॉक्टर्स ने कहा कि नरगिस कोमा से बाहर आ पाए इसकी उम्मीद बहुत कम है। साथ ही वो कैंसर की असहनीय पीड़ा को भी झेल रही हैं। ऐसे में आप चाहें तो हम उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा सकते हैं ताकि उनकी मौत हो जाए, ताकि उन्हें इन तमाम तकलीफों से निजात मिल जाए।
ये सुनकर सुनील दत्त गुस्से में डॉक्टर्स पर चिल्ला पड़े और बोले कि किसी भी कीमत पर वो नरगिस को मरने नहीं देंगे। खुद ईश्वर जब चाहेगा तब उन्हें अपने पास बुला लेगा, पर वो ना नरगिस के मरने की कल्पना कर सकते हैं और अपने आखिरी दम तक उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास वो करेंगे। कुछ समय बीता और हैरतअंगेज ढंग से नरगिस को वहाँ से बाहर आ गई और सुनील दत्त की खुशी इतनी थी कि जहाँ वो मुस्कुरा रहे थे तो हर कोई उन्हें देखकर खुशी के आंसू बहा रहा था। इनमें वो डॉक्टर्स भी शामिल थे जिन्होंने सुनील दत्त को नरगिस को वेंटिलेटर से हटाने की सलाह दी थी। नरगिस और सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी अब रिलीज होने वाली थी और नरगिस फिल्म के प्रीमियर पर जाने की तैयारियां कर रही थी। हालांकि वो बेहद बीमार थी लेकिन वो संजय और सुनील दत्त के साथ बैठकर ये फिल्म देखना चाहती थी, पर इस बार ईश्वर की मेहरबानी मुट्ठी में भरी रेत की तरह सुनील दत्त के हाथ से फिसल गई। नरगिस अचानक से फिर से बीमार हुई और रॉकी की रिलीज से पहले ही वो दुनिया से अलविदा कह गई। सुनील दत्त बुरी तरह से टूटे पर ताउम्र वो एक अच्छे पिता का कर्तव्य निभाते रहे और नरगिस की जगह उनकी जिंदगी में कोई नहीं ले पाया। मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी ने ठीक ही तो लिखा है, अजब क्या कुछ दिनों के बाद ये दुनिया भी दुनिया हो, ये क्या कम है मोहब्बत को मोहब्बत कर दिया मैंने। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.